केस में मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही राज कुंद्रा के घर छापेमारी, शिल्पा शेट्टी से भी हो रही पूछताछ। टोक्यो ओलंपिक सेरेमनी में हुई जब टीम इंडिया की एंट्री, पीएम मोदी ने खड़े होकर बजाई तालियां। आंध्र प्रदेश में कोरोना के कम होते असर के बीच 16 अगस्त से शुरू होंगे स्कूल, सीएम जगन रेड्डी का ऐलान। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटों में मिले केवल 11 नए संक्रमित, नहीं हुई किसी मरीज की मौत। चमधार में 9 घंटों तक बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, 24 घंटों में मध्यम बारिश की संभावना। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने खाद कारखाना परिसर में 50 एकड़ में प्रस्तावित सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की मदद से प्रदेश में शिक्षा, राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की ज्योति जलती रहेगी। परिसर में बनने वाला सैनिक स्कूल देश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा के ध्येय से इसे शुरू किया जा रहा है। इस शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक के बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस होंगे। गोरखपुर के सैनिक स्कूल का प्रशासनिक भवन प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा का दर्शन कराने वाला होगा। स्कूल की सभी इमारतें भी देशभक्ति का भाव जगाएंगी। विमान में तकनीकी खराबी के चलते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, जिसके बाद लखनऊ से ऑनलाइन कार्यक्रम में वह शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने मंडल की 923 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और कहा कि वो जनसेवा के कार्यों में लग जाएं। कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पूर्व सांसद समेत कई पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। सोनभद्र जनपद में नक्सली संचरण पर प्रभावी रोक रखने, दूरस्थ व पहाड़ी क्षेत्रों में निवासियों को समन्वय स्थापित रखने और जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए कॉम्बिंग की गई। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा थाना रामपुर बरकोनिया क्षेत्र के मऊकला जंगलों में नक्सल ऑपरेशनल कार्यक्रम के तहत पीएसी के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों से वार्ता की, साथ ही उन्हें किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर या नक्सली संचरण के विषय में जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की भी जानकारी दी गई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। यहां कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर भी दिखने लगा है। इसी क्रम में बिधूना स्वास्थ्य केंद्र में कानपुर से पहुंची भाजपा की मंडल प्रभारी अनीता दीक्षित ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद खुद कोरोना की वैक्सीन लगाते हुए लोगों को बताया कि किसी भी प्रकार से वैक्सीन को लेकर गलतफहमी ना पाले, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन लहर से निपटने के लिए जब तक खुद को जागरूक नहीं होंगे तब तक इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, इसलिए सभी को कोविड-19 का पालन करना चाहिए और कोरोना की वैक्सीन को जरूर लगवाना चाहिए। लखनऊ में वैक्सीनेशन होता है, दिल्ली में वैक्सीनेशन होता है और मेरा इच्छा था मैं जहाँ की प्रभारी हूँ अपनी जनता के, अपने लोगों के बीच में जाकर वैक्सीनेशन करवाऊंगी, जिससे लोगों को लगेगा कि नहीं देखिए अगर हम यहाँ पर आके वैक्सीनेशन करा रहे तो हम लोग को भी सबको स्वास्थ्य की दृष्टि से हमको वैक्सीनेशन सबको ही कराना चाहिए, एक संदेश देना हमारा। अयोध्या में एसडीओ की दबंगई देखने को मिली, जहां बिजली विभाग के एसडीओ अपनी पावर का रौब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीओ राजेश कुमार त्रिपाठी ने कमीशन लेने के चक्कर में एक फर्म मालिक के बेटे को फोन पर धमकी दी। बता दें कि फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की एसडीओ ने धमकी दी है। एसडीओ की धमकी का ऑडियो इस वक्त काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित फर्म मालिक ने इस मामले में सीएम से मदद की गुहार लगाई है।
तो अयोध्या से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां एसडीओ राजेश कुमार त्रिपाठी का धमकी भरा ऑडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बिजली विभाग के एसडीओ की खुलेआम दबंगई देखने को मिली है, जहां पर एक फर्म मालिक को धमकाते हुए एसडीओ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खुलेआम बिजली विभाग के एसडीओ दबंगई दिखाते हुए वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें कि उनका ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। एसडीओ का धमकी भरा ऑडियो इस वक्त तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं फर्म मालिक ने सीएम से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि एसडीओ राजेश कुमार त्रिपाठी ने कमीशन लेने के चक्कर में एक फर्म मालिक के बेटे को फोन पर धमकी दी है। वहीं उन्होंने फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की भी धमकी दी है, जिसके बाद पीड़ित फर्म मालिक ने इस पूरे मामले पर सीएम से मदद की गुहार लगाई है। तो अयोध्या से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दबंगई दिखाते हुए नजर आए हैं बिजली विभाग के एसडीओ। आपको बता दें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप दबंग एसडीओ की तस्वीर देख रहे हैं। एसडीओ राजेश कुमार त्रिपाठी का धमकी भरा ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने एक फर्म मालिक को धमकी दी है। साथ ही उन्होंने फर्म को बंद करने की भी चेतावनी जारी करी है। सोनभद्र में कलेक्ट्रेट हॉल में महिलाओं के साथ एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने दीप प्रज्वलित करके किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की गाइडलाइन के अनुसार एक देसी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कराने के लिए निर्देश मिले थे, जिसमें प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपाय व महिला स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। शिविर में सरकार के द्वारा महिलाओं के प्रति जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो सुविधा से प्रदान की जाए, इन सब की जानकारी दी गई। प्रदेश में अनाथ बच्चों को मदद देने के लिए बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। बाल सेवा योजना के तहत 18 अनाथ बच्चों को 4000 रुपए का चेक जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चों के भरण पोषण हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके अलावा जब लड़कियों की शादी होगी तो सरकार के द्वारा उनको 12 लाख रुपए देने का कार्य किया जाएगा। 18 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। जो भी बच्चे बचे हुए हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें भी चेक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जनपद के आज 18 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इनके खाते में प्रति माह 4000 के हिसाब से 12 रुपए अंतरित किए गए हैं। साथ ही साथ शादी होने पर लड़की की 1,01,000 रुपए भी दिए जाएंगे, और ये इनके 18 वर्ष बालिग होने तक ये लगातार इनको लाभ मिलता रहेगा। और जो भी बच्चे अन्य बच्चे हैं जिनका अभी आज हम लाभ नहीं दे पाए, उनको भी चिन्हित करके इसका हम लाभ देंगे। तो मैनपुरी में आज बाल सेवा योजना के तहत बच्चों को मदद प्रदान की गई है। आपको बता दें कि 18 अनाथ बच्चों को आज 4000 का चेक जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में जिन परिवार में मौतें हुई हैं, जिनमें माता पिता को बच्चों ने खो दिया है, ऐसे अनाथ बच्चों की सरकार मदद कर रही है, जिसके तहत आज 18 अनाथ बच्चों को राहत पैकेज दिया गया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बाल सेवा योजना के तहत 18 अनाथ बच्चों को 4000 रुपए का चेक वितरित किया है। समाजवादी विधानमंडल दल के नेता राम गोविंद चौधरी आजम खां के हालात को लेकर राज्यपाल को सारी बातें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि आजम खां की पूरी तरीके से इलाज होना चाहिए। वहीं जिला पंचायत के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी के वर्करों पर पर्चे ने भरने दिया है। आपको बता दें कि मारपीट की गई है और लोगों को जेल में बंद कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी आज राज्यपाल से बात की। और ये भी कहा वो इतना बीमार है कि सरकार उनको पेरोल पर परमानेंट जेल से बाहर भर रही है।
जिला पंचायत के चुनाव में प्रत्याशियों का अपहरण कर लिया गया, इन सब बातों से हम लोगों ने उनको अवगत कराया। तीसरी बात, आजमगढ़ में तीन पकवान के घरों को पुलिस ने बिल्कुल बहुत नष्ट कर दिया, गिरा दिया, सारा सामान गहना रुपया लूट लिया, एक औरत के साथ बलात्कार भी किया, उसका एफ आई आर भी नहीं हुआ और उनके उन्हीं लोगों को पुलिस ने। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पहले दौर के दौरान पूरे यूपी में फ्री में लोगों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने का काम किया गया था। हालांकि इसके लिए विभाग को काफी घाटा भी सहना पड़ा था, लेकिन इस दौर में भी कुछ ऐसे विभाग के कुछ कर्मचारी भी अपनी शातिर दिमाग और भ्रष्टाचार की चाहत के चलते विभाग को चूना लगाने में पीछे नहीं हटे। एक ऐसा ही मामला भंडाफोड़ किया है आजमगढ़ रोडवेज विभाग ने, जहां पर अम्बेडकर डिपो के परिचालक की करतूत पकड़ में आई है, जिसने पिछले 8 महीनों में विभाग के करीब 1.5 लाख का नुकसान कराया। बताया जा रहा है कि परिचालक विनय कुमार गुप्ता आजमगढ़ दीपू से बस लेकर अपने दिवंगत स्थल पर जाता था और जो भी टिकट का पैसा उसको मिलता था हर 20 या 25 दिनों में उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता था। वहीं इसको लेकर विधिवत जांच कराई जा रही है। फिलहाल परिचालक विनय कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है, उसने अपनी गलती मान ली है और अपना कैश भी जमा करा दिया है। ये परिचालक है विनय गुप्ता, परिचालक हैं, ये अम्बेडकर डिपो के परिचालक हैं। इन्होंने करीब 8-9 डेट्स में 44 का नंबर गलत डाल के और अपना वेबिल चेक नहीं कराया, सिर्फ चेकिंग में दे दिया 44 का नंबर डाले कि मैंने इतना कैश जमा कर दिया और कैश भी नहीं जमा किया। ये मामला जब प्रकाश में आया तो इसके पूरी डिटेल निकाली गई साल भर की, तो 8-9 डेटें निकली हैं। उसमें 1,40,905 रुपये का शायद गबन किया गया है। तो इनको घर से पकड़वा के मुगर बुलवाया गया, इन्होंने उसको स्वीकार भी किया और अब इन्होंने 1,40,000 रुपया जमा कर दिया है। परिचालक को उसके लिए दंडित करते हुए फिलहाल सस्पेंड कर दिया। रायबरेली में इस वक्त कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लगातार अपराध की घटनाएं वहां बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि खेत में मेड़ बांधने को लेकर दबंगों ने आशा बहू की पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल अवस्था में पति ने अस्पताल में महिला को पहुंचाया। वहीं सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर 10 साल की बालिका का खून से लथपथ शव बरामद किया गया है। वहीं शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतक नाबालिग के गर्दन पर धारदार हथियार के निशान बताए जा रहे हैं। वहीं परिजनों ने चाचा पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए भेज दिया है। प्रॉपर्टी के लालच में हत्या की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। गाजीपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने एक टिकट जालसाज को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। वह पिछले 3 सालों से लगातार अवैध सॉफ्टवेयर से टिकट बना रहा था। बता दें कि आरोपी अपने मोबाइल पर ही ओशियन एक्सटेंशन की मदद से पर्सनल आईडी पर ई टिकट बनाकर ग्राहकों को 400 से 500 रुपए टिकट किराए से कम बेचता था। आपको बता दें कि अभियुक्त द्वारा टिकट बनाने में प्रयुक्त एक अदद MD मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। तो गाजीपुर से यह मामला सामने आया है, जहां पर एक ई टिकट का अवैध कारोबारी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रेल के अवैध ई टिकट बनाने का मामला सामने आया, जहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि यह आरोपी ओशियन एक्सटेंशन की मदद से ये कारोबारी कर रहा था। आपको बता दें कि रेलवे के ई टिकट बनाकर ये लोगों को ठगने का काम कर रहा था, जिसके बाद आज पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला गाजीपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां पे आरपीएफ को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। पिछले 3 सालों से लगातार अवैध सॉफ्टवेयर की मदद से ये कारोबारी टिकट बना रहा था। बता दें कि आरोपी अपने मोबाइल पर ही ओशियन एक्सटेंशन की मदद से पर्सनल आईडी पर ई टिकट बनाता था, जिसके बाद वो ग्राहकों को ठगने का काम कर रहा था, जिसके बाद आज पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है।
और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।